दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, स्पिरिचुअल हीलर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड न्यूरोलॉजिस्ट। आई ऑल्सो गिव कंसल्टेंसी फॉर एरोमा थेरेपी एंड क्रिस्टल थेरेपी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग के कार्ड्स। आज सुबह मेडिटेशन में जब मैं बैठी हुई थी और मैं चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन जब कर रही थी, जब थर्ड आई के ऊपर मैं अपना ध्यान केंद्रित कर रही थी, उसी वक्त कुछ सेकंड्स के लिए शायद मैं कहीं गहन ध्यान में थी और उस वक्त में मैंने अपने थर्ड आई के ऊपर माँ लक्ष्मी का बहुत ही वैसा स्वरूप देखा जैसा हम लक्ष्मी जी की दिवाली पर जो पूजा करते हैं उस तरह का मैंने स्वरूप बिल्कुल क्लियरली देखा। पहले वो मुझे तस्वीर की फॉर्म में नज़र आए थे और उसके जस्ट बाद मुझे ऐसा लगा कि तस्वीर नहीं है, क्योंकि उनकी पलकें जो थी मूव कर रही थी और मुझे ऐसा लगा कि ये तो साक्षात देवी लक्ष्मी हैं जो दर्शन दे रहे हैं। और उसके उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, उन्होंने मुझे बहुत ढेर सारा, जैसे मुझे ऐसा लगा सिक्कों की बरसात हो रही है, धन की वर्षा हो रही है, ऐसा विजुअलाइजेशन मुझे हुआ। और उसके जस्ट बाद में मैंने शिव पार्वती को देखा और उसके बाद में फूलों की वर्षा देखी मैंने तो, और उसके बाद में मैं वापस से अपनी उस समाधि वाली स्टेट से मैं बाहर आ गई, जो भी आप कहें डीप मेडिटेशन से मैं फिर बाहर आ गई वापस। तो ये विजुअलाइजेशन मुझे जब सुबह हुआ और उसके साथ ही मुझे एक और चीज़ भी समझ में आई थी उस मेडिटेशन में, मुझे माँ लक्ष्मी की तरफ से उन्होंने ये गाइडेंस दिया था कि क्योंकि मैं उनको देखकर लाइक आई वाज स्माइलिंग, तो मैं स्माइल कर रही थी, उन्होंने कहा कि डोंट स्माइल, बी सिंसियर, सिट सिंसियरली, वी आर गोइंग टू चेंज सम कोड्स विद इन यू। और उसके बाद में कुछ शिवरिंग सी हुई थी, कुछ वाइब्रेशंस हुए थे और मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर का कुछ सम एनर्जी हैज़ बीन चेंज्ड बाय माई गाइड्स, ऐसा मुझे लगा था। और उसके बाद में जब मैं अपने योगा क्लास से वापस रिटर्न हो रही थी, उस वक्त बहुत पुराने एक्सपीरियंस जो मैंने अपनी अनअवेकन लाइफ के अंदर, जो मैंने अपने लाइफ में जो डिसीजंस लिए थे और उस वक्त के मेरे जो विचार थे वो रिकॉल हो रहे थे मुझे। और मुझे उस समय में ऐसा लग रहा था कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की, कहाँ मैंने गलत डिसीजंस लिए, वो सब कुछ मुझे जैसे बताया जा रहा था या मुझे शायद ऑटोमेटिकली क्योंकि मेरे अंदर कुछ एनर्जी चेंज हुआ, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो उस वक्त में मुझे समझ में नहीं आई होंगी, वो जब घर योगा क्लास से घर तक का जो रास्ता था उसमें मुझे बहुत क्लियर विजन्स आए थे कि मैंने कहाँ कहाँ पे किस तरह की गलतियाँ की और मुझे लाइफ में आगे कैसे बढ़ना चाहिए। तो डेफिनेटली डिवाइन फेमिनाइंस, क्योंकि 11/11 पोर्टल अभी गुजरा है, अभी दिवाली का जो पोर्टल होता है ऑब्वियसली वो भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्टल होता है, तो वो भी पोर्टल अभी गुजरा है और तो डिवाइन फेमिनाइंस के अंदर एक विजडम डिवाइन फेमिनाइंस ने डेफिनेटली गेन की है। ऐसे विजुअलाइजेशन और एक्सपीरियंस मुझे आज अपनी मेडिटेशन में हुए हैं और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसको चेक करके देखूँगी इस एनर्जी को। तो देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी भी हम साथ में चेक करेंगे। तो वहाँ उस साइड पर हम डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज और इस साइड पर डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज चेक करते हैं। वन बाय वन कार्ड निकालना है, पता नहीं मुझे इस वक्त में ऐसी ही गाइडेंस है कि किसी भी साइड के कार्ड एक साथ नहीं निकालने हैं, वन बाय वन कार्ड निकालने हैं। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन करंट एनर्जीज आफ्टर 11/11 पोर्टल। ओ माय गॉड, कॉन्फ्लिक्ट कार्ड आया, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कॉन्फ्लिक्ट कार्ड आया है। डिवाइन मैस्कुलिन कहीं ना कहीं अपने इमोशंस से बहुत बुरी तरीके से उलझे हुए हैं, मे बी कार्मिक्स के साथ बहुत बुरी तरीके से उलझे हुए हैं, कोई ना कोई मेंटल ट्रबल या फाइनेंशियल ट्रबल उनको बहुत बुरी तरीके से परेशान कर रही है। दे आर वेरी वेरी पजल्ड, इट्स लाइक आप देख रहे हैं जैसे कि ये जो जहाज है वो टकरा कर, चट्टान से टकरा कर चकनाचूर होने ही वाला है और ये फिगर उसको किसी न किसी तरीके से चट्टान से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। बहुत बड़ा खतरा किसी न किसी तरह का डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर, आई डोंट नो व्हाई दिस हैज़, देखेंगे अभी हम इस एनर्जी को और ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करके देखेंगे। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज आफ्टर 11/11 पोर्टल, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज आफ्टर 11/11 पोर्टल, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज आफ्टर 11/11 पोर्टल, द हीलिंग लाइट।
द डिवाइन फेमिनाइन बहुत अपने आप को बहुत बैलेंस कर चुकी हैं, लव एंड लाइट की एनर्जी नज़र आ रही है, होल्ड कर रखा है यहाँ पर फेमिनाइन, या आप ये चांद की तरह का फिगर है डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को बहुत बहुत पीसफुली और बहुत ग्रेसफुली अपने आप को एज अ डिवाइन फेमिनाइन बहुत अच्छी तरीके से कैरी कर रही हैं। दे नो हु दे आर, व्हाट दे आर, व्हाई दे आर हियर, और अपने लाइफ पर्पस को बहुत बैलेंस के साथ, अपने रिलेशनशिप्स को बहुत प्यार के साथ होल्ड करके रखा हुआ है। बहुत ही काम कूल, आप देख रहे हैं कितनी ऑपोजिट एनर्जीज हैं, ये बिल्कुल दो ऑपोजिट एनर्जीज हैं। दैट इज़ वॉट आई वॉज लाइक, मुझे ऐसा कुछ लग ही रहा था कि ऐसा कुछ है कि जिसे चेक करना इस समय में ज़रूरी है। वन मोर कार्ड प्लीज फॉर डिवाइन मैस्कुलिन। वी हैव प्लानिंग एन एक्शन, डिवाइन मैस्कुलिन आर प्लानिंग फॉर समथिंग, प्लानिंग टू टेक एक्शन। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि बहुत अथक प्रयास जिसे कह रहे हैं, परेशान होते हुए भी प्रयासों को नहीं छोड़ना, इस तरह की एनर्जी। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है प्लानिंग एंड एक्शन। डिवाइन मैस्कुलिन आर, आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर द डिवाइन टाइमिंग। यहाँ पर घड़ी का कार्ड बना हुआ है। कोल्ड का सीज़न है, मुझे लगता है कि क्योंकि सीज हो चुका है आपके और उनके बीच, यहाँ पर गैप भी नज़र आ रहा है, कॉन्टिनेंटल गैप जैसी कोई चीज़ नज़र आ रही है, तो आपके और उनके बीच में काफ़ी समय गुजर गया, गैप काफ़ी हो गया। वे ब्रिज को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप दोनों के बीच के कनेक्शन को री एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको शायद ऐसा लगता है कि अगर इस रिलेशन को फ्रीज में से, यानी फ्रीज स्टेट में से बहुत जल्दी नहीं निकाला गया, मे बी देर हो जाएगी, मे बी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मे बी सब कुछ बिखर जाएगा। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज इन सम काइंड ऑफ एन अर्जेंसी, अर्जेंट एक्शन लेना है अर्जेंटली इस रिलेशनशिप के लिए, या शायद उनकी लाइफ में, अपनी लाइफ में किसी चीज़ के लिए उनको अर्जेंट प्लानिंग्स की ज़रूरत है, ऐसी हमारे पास में अर्जेंट एनर्जी निकल कर आई है। डिवाइन फेमिनाइन के लिए वन कार्ड दीजिए प्लीज़, डिवाइन फेमिनाइन वन कार्ड प्लीज़, ओप्स, वन कार्ड फॉर डिवाइन फेमिनाइन प्लीज़। किंडर्ड पार्टनरशिप, वाओ, आई टोल्ड यू, मुझे आज यूनियन एनर्जीज नज़र आई थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये फोकस क्यों नहीं हो रहा, यस, किंडर्ड पार्टनरशिप, मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन काफ़ी हाई एनर्जी में होने की वजह से उनको, क्योंकि वो इतनी हाई एनर्जी में, इतनी बैलेंस्ड है कि उनको ऐसा लगता है कि इट्स अ काइंड ऑफ अ यूनियन विद इन उनको, और उनको ये भी पता है कि ये डिवाइन टाइमिंग में होने वाला यूनियन है, इसलिए वो इसको हरी नहीं कर रही, इसके लिए रश नहीं कर रही हैं, और वो बहुत ही पीसफुली, बहुत ही शांति से इस यूनियन की वेट कर रही हैं। और बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस को मोस्ट प्रोबेबली, जिस तरह से मुझे आज यूनियन का विजन आया, हो सकता है कि डिवाइन फेमिनाइंस को अपने मेडिटेशन में, आप यहाँ पर देख रहे हैं जिस तरह से एनर्जीज, हाई एनर्जीज, तो डिवाइन फेमिनाइंस के ऊपर, बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस पर हायर एनर्जीज ने अपना शावर किया हो, और इस मेडिटेशन में, इस शावर के दौरान उनको यूनियन नज़र आई हो अपने और अपने मैस्कुलिन की, और इसी वजह से वो काफ़ी पीस में है, काफ़ी अच्छा फील कर रही हैं, यूनिटी फील कर रही है अपने मैस्कुलिन के साथ, ऐसी फीलिंग्स मुझे आती हैं। और इसका ये मतलब भी है कि मोस्ट पॉसिबली क्योंकि आपकी अपनी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है, या आप अपने डिवाइन पर्पस में हैं, इसलिए आपने अपनी तरफ से यूनियन इनिशिएट कर दी है, आपकी तरफ यूनियन एनर्जीज का इनिशिएशन हो चुका है, मे बी नियर फ्यूचर में कुछ लोगों का यूनियन हो। वन कार्ड फॉर डिवाइन मैस्कुलिन प्लीज़, वन कार्ड फॉर डिवाइन मैस्कुलिन प्लीज़, वन कार्ड फॉर डिवाइन मैस्कुलिन प्लीज। ग्रेट ग्रेटिट्यूड कार्ड है, डिवाइन मैस्कुलिन
अपनी फेमिनाइन, मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन को उसकी कंप्लीट लाइट में, उसके नेचर के साथ कनेक्शन में, उसकी हाईलाइट में देख रहे हैं, और वो ये भी देख रहे हैं कि डिवाइन फेमिनाइन किस तरीके से जो कुछ उनके पास है उसके लिए किस तरह से ग्रेटिट्यूड फील कर रही हैं, अपनी लाइफ को इंजॉय कर रही हैं, बैलेंस में हैं, और वे अपने इस फेमिनाइन के प्रति कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं कि उनकी वजह से ही उनके अंदर शायद कुछ चेंजेस आए हैं, उनके ऐसी हाई एनर्जी की वजह से ही उनमें ऐसे कुछ चेंजेस आए हैं कि वो इस डिवाइन फेमिनाइन की तरफ, और ये आप देख सकते हो कि इस हाई एनर्जी की तरफ ऑटोमेटिक अट्रैक्शन, ऑटोमेटिक खिंचाव होता है। जब एक व्यक्ति के अंदर हाई एनर्जी होती है, हाई वाइब्रेशन होती है, उस समय में ऑटोमेटिकली, अगर आप देखेंगे तो ये, आप अगर इसको देखेंगे, बड़ा फनी सी सिचुएशन बन रही है। ये जहाज जैसे इस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है, यहाँ ब्रिज भी बना हुआ है, दोनों के बीच में ब्रिज बना हुआ है, ये जहाज इस कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी से निकल के, इस गैप को पार करके इस डिवाइन फेमिनाइन की तरफ जाना चाहता है, यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन का सबकॉन्शियस माइंड ना चाहते हुए भी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ ड्रॉ हुए जाता है, खींचे चले जाता है, लेकिन मैस्कुलिन का फिजिकल सेल्फ कह लें या इसको ईगो सेल्फ कह लें, वो किसी न किसी तरीके से इस यूनियन को होने से रोक रहा है, और उसको ये नहीं पता है कि अगर जहाज को इस डायरेक्शन में नहीं जाने दिया जाएगा तो पीछे की तरफ बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल खड़ा है उसके पास जाने के लिए, या टकराने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचेगा, डिस्ट्रक्शन के सिवा और पीछे कुछ भी नहीं है। ये जानते हुए भी वो इस डायरेक्शन में अपने आप को, उसका ईगो अपनी फेमिनाइन की डायरेक्शन में बढ़ने के लिए उसको रोक रहा है। ओके, वन मोर कार्ड फॉर डिवाइन फेमिनाइन प्लीज। वी हैव ग्रेट अचीवमेंट्स, वाओ। सो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैंने अपने विजन में देखा था धन की वर्षा हो रही है, फूलों की वर्षा हो रही है, स्पिरिट गाइड्स स्माइल कर रहे हैं, वो आपको अपग्रेडेशंस दे रहे हैं, आपकी एनर्जीज को अपग्रेड कर रहे हैं। तो इस 11/11 पोर्टल के बाद और उसके दौरान जो आपने मेडिटेशंस किए होंगे, प्रेयर्स की हैं, उसके अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, आने वाले समय में मिल रहे हैं। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सेलिब्रेशंस, ये आपकी ज़िंदगी में डिवाइन फेमिनाइंस आने वाले हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोगों के लिए कि आपने इस ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर जो अचीवमेंट्स करने थे वो आप कर चुके हैं, जिस तरह की यूनियंस आपको पानी थी आपने पाली हैं, और ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ डिवाइन फेमिनाइंस अपने किसी अच्छे सोल पार्टनर के साथ, किसी अच्छे सोलमेट के साथ में आगे बढ़ चुकी हैं, जर्नी में आगे बढ़ चुकी हैं, और डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से आप देख रहे हो उन्होंने इस फेमिनाइन का चेहरा इस तरफ है। ओके, तो इस डिवाइन फेमिनाइन ने ही, शी डजेंट केयर कि आपका ट्विन बैक होके आता है नहीं आता है, या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या केओस चल रहा है, उसका ध्यान उसकी तरफ बिल्कुल नहीं है। शी इज़ रिटर्न, उसका उसका जो ध्यान है वो हट चुका है, बढ़ चुका है, और उसका ध्यान अपने अचीवमेंट्स पर है। ये कार्ड का नज़र आप देखेंगे तो इस तरफ है, तो डिवाइन फेमिनाइन अपने खुद के अचीवमेंट्स की तरफ ध्यान दे रही है, वो अपने सोलमेट रिलेशंस को अच्छा करने की दिशा में ध्यान दे रही है, और अपनी हीलिंग लाइट को एनहांस करने की दिशा में उसका ध्यान है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। ओके, एंड कनेक्शन एनर्जी पर विक्टिम मेंटेलिटी, तो ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा कि मैस्कुलिन को, ये मैस्कुलिन की तरफ चाहे कितने ही इमोशनल या अट्रैक्शन फेमिनाइन की तरफ अट्रैक्ट करने वाली एनर्जी आती है, लेकिन ही फील्स लाइक ही कैन नॉट मूव टुवर्ड्स दिस फेमिनाइन। वो विक्टिम मेंटेलिटी में है, उसको लॉस हो चुका है, उसको ऐसा लगता है कि समय, अगर यहाँ पर भी आप देखिए घड़ी बनी हुई है, वहाँ पर भी घड़ी बनी हुई है, समय बीत चुका है, उसके हाथ से मौका जा चुका है, इस तरह की बहुत ही डिफीटफुल एनर्जी इन दोनों के कनेक्शन में इस समय में है। ओके, अब मैं इसको यूनिवर्सल मैसेज, आपको डिवाइन फेमिनाइन आपके लिए क्या यूनिवर्सल मैसेज है, लेट्स चेक। ये वाला जो कार्ड मुझे यूनियन कार्ड दिखता है, मुझे ऐसे लगता है, ऑफेंडेड फील ना करे, ट्रिगर ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए यूनिवर्स ने एक बहुत बेहतरीन जिसको आप डिज़र्व करती है, जो आपको डिज़र्व करता है, ऐसा हाई वैल्यू सोलमेट आप लोगों के लिए तलाश किया है, कुछ लोगों को मिल गया है और उनके साथ वो आगे बढ़ गए हैं, कुछ की लाइफ में क्योंकि वो हील हो चुके हैं, क्योंकि हाई एनर्जी में फेमिनेंस आपके लिए बहुत जल्दी यूनिवर्स की तरफ से एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल सोलमेट प्रेजेंट किया जाएगा। आपका जो ट्रॉफी है, आपका जो अचीवमेंट है वो ये है कि आपने अपने आप को हील किया, आपने अपने पास्ट ट्रॉमा से अपने आप को फ्री किया, और अब आप नए न्यू लव के लिए तैयार हैं, न्यू कनेक्शंस के लिए तैयार हैं, इक्वल गिव एंड टेक पार्टनरशिप्स
के लिए, किंडर्ड पार्टनरशिप्स के लिए अब आप तैयार हैं, और इस ट्विन फ्लेम जर्नी का यही टेक अवे है आपके लिए, यही अचीवमेंट है आपके लिए। और डिवाइन मैस्कुलिन क्योंकि अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट से निकाल नहीं सका, समय रहते आपकी दिशा में नहीं आ सका, इसलिए इस रिलेशनशिप से भी अगर वो कुछ लेके जाएगा तो वैसा ही लॉस एनर्जी लेकर जा रहा है जैसी कि उसको अपने प्रीवियस रिलेशनशिप्स में मिली हैं। और उसके नीचे का कार्ड है कमिटमेंट कार्ड, बिकॉज वे आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट समय रहते नहीं दे पाए। द लविंग मैन, जिस तरह का लविंग केयरिंग कनेक्शन, इस कनेक्शन की डिमांड थी आपको कमिटमेंट देने की, समय रहते वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, और इस चीज़ का पछतावा, इस चीज़ की लॉस की फीलिंग उनको भी है। लेकिन देखिए यहाँ पर नीचे स्टक एनर्जी, ही इज़ स्टिल स्टक इन देयर कार्मिक ट्रबल्स, ये कीचड़ में, दलदल में फंसा हुआ है भैया। वो चाहते हुए भी यहाँ से, इस स्थिति से अभी निकल कर नहीं आ सकते डिवाइन फेमिनाइंस। सो डोंट थिंक ऑफ देम कि वो रिटर्न बैक होके आ रहे हैं, आ जाएंगे। आप अपनी हीलिंग और अपने वाइब्रेशंस को मेंटेन कीजिए। आपके लिए जो बेहतरीन पार्टनर होगा वो आपको डिवाइन टाइमिंग में आपको सर्व कर दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, ऐसा क्लियर गाइडेंस आ रहा है। Universal guidance for you, Divine Feminines. Universal guidance for you, Divine Feminines. We have, most people are just trying to survive. Okay, ये रहा survival mode. आपके Divine Masculine सिर्फ अपने आप को किसी तरह से बचा के रखने की, किसी तरह से survive करने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वाइवल मोड में है आपके डिवाइन मैस्कुलिन, इस समय में सर्वाइवल मोड में है, और आप इस समय में थ्राइविंग मोड में है। तो बिल्कुल ही डिफरेंट पेजेस जैसी एनर्जी है, आप और उनके बीच में कोई वाइब्रेशनल मैच इस समय में नहीं है। यू आर थ्राइविंग, दे आर जस्ट मेयरली सर्वाइविंग, और ऐसे में उनके पीछे जाना या उनकी वजह से अपने हाई वाइब्रेशंस को वेस्ट करना इज़ नॉट अ गुड चॉइस, विल नॉट बी अ गुड चॉइस फॉर यू। आई लव यू लाइक क्रेजी, आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको बता रहे हैं, दे लव यू लाइक अ क्रेजी पर्सन, लेकिन ही इज स्टक, ही कैन नॉट मूव टूवर्ड्स यू, ही कैन नॉट मेक अ मूव टूवर्ड्स यू। ओके, आप इस वक्त में जो कर सकती हैं अपने मैस्कुलिन के लिए, वो ये कर सकती है अपना अनकंडीशनल हार्ट फिल्ड लव, हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज, हीलिंग लाइट, हीलिंग एनर्जीज आप उनकी तरफ सेंड कर सकती हैं। उनसे डिटैच रहकर, उनके इमोशन से डिटैच रहकर, आप अपनी हाई वाइब्रेशनल हीलिंग लाइट को आप अपने मैस्कुलिन की दिशा में ज़रूर से भेज सकती हैं। उनके लिए एक अनकंडीशनल लव अपने माइंड में आप रख सकती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आपको नहीं करने की सलाह इस समय में दी जा रही है। और मुझे इसीलिए विजन आया था कि मैं जिस हाई वाइब्रेशन में हूँ इस समय में, चाहे वो धन की वर्षा हो रही है, पुष्पों की वर्षा आशीर्वाद है, स्पिरिट का आशीर्वाद है, और धन की वर्षा अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है, शिव और पार्वती सेल्फ यूनियन का प्रतीक है, और लक्ष्मी जी जो है वो सुख समृद्धि का प्रतीक है। तो अभी मुझे ये मैसेज समझ में आया, जो सुबह मैंने विजन देखा था उसका मीनिंग ये है कि स्प्रिट हमको कह रहे हैं कि हमको हमारी हीलिंग की वजह से जो अबंडेंस मिली है, जो प्रॉस्पेरिटी मिली है, और जो सेल्फ यूनियन हमने अचीव की है, दैट इज़ ऑल व्हाट आवर अचीवमेंट इज़ ड्यूरिंग दिस ऑल दिस जर्नी। एंड वी, या तो आप ऑलरेडी एक बहुत अच्छे सोलमेट के साथ हैं, या फिर एक बहुत अच्छा सोलमेट आपको सर्व कर दिया जाएगा। और आप अपने मैस्कुलिन से किसी तरह की ग्रजेज ना रखें, रिजेंटमेंट ना रखें, उनको अपना लविंग हीलिंग एनर्जीज आप डेफिनेटली देते रह सकते हैं। वन मोर मैसेज फॉर यू डिवाइन फेमिनाइंस, वन मोर मैसेज फॉर यू डिवाइन फेमिनाइंस। ओके, सो हमारे पास काफ़ी सारे कार्ड्स गिरे, मैं ले लेती हूँ। एवरीवन इज़ डूइंग देयर बेस्ट, ओके, ऐसा नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलिन अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं, एक्शन एंड प्लान, वो भी बैठे नहीं हाथ पे हाथ धर के। हालांकि सिचुएशंस ही कुछ ऐसी हैं कि इस समय में वो बैठे हैं हाथ पर हाथ धर कर, नहीं बैठे, आप देख सकते हैं क्वाइट एक्शन ओरिएंटेड उनकी एनर्जी है, लेकिन
पकर अप बटर कप. ओके, तो आपको यहाँ पर का लव मैग्नेट, यू आर अ लव मैग्नेट, यू आर पुलिंग गुड थिंग्स टुवर्ड्स यू, यू आर पुलिंग लव टुवर्ड्स यू, यू आर पुलिंग गुड पार्टनरशिप टुवर्ड्स यू, यू आर पुलिंग अचीवमेंट्स टुवर्ड्स यू. तो कीप ट्राई, कीप योर बेस्ट वर्क, कीप डूइंग योर बेस्ट वर्क, एंड आपको उसके रिवॉर्ड्स टाइम टू टाइम यूनिवर्स देते रहेंगे. टाइम फॉर ए लव फेस्ट, ये रहा फेस्टिवल का कार्ड. मुझे ऐसे भी लगता है कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस की इंगेजमेंट्स हुई हैं या होने वाली हैं, उनकी मैरिजेज हुई हैं या होने वाली हैं, और वे अपने इस नए बनाए हुए यूनिवर्स में लविंग, केयरिंग और कंपैशनेट सेलिब्रेशंस करने के लिए अब बिल्कुल तैयार हैं. ज़िंदगी में सेलिब्रेशंस करने के लिए, ज़िंदगी को जॉयफुली जीने के लिए, इस ज़िंदगी को एक लव फेस्ट बनाने के लिए, लव फेस्टिवल बनाने के लिए, एक प्रेम का उत्सव बनाने के लिए डिवाइन फेमिनाइंस ज़रूर से तैयार हैं. ओके, तो ये थी रीडिंग हमारी आज की ट्विन फ्लेम एनर्जी, एनर्जीज आफ्टर दिवाली, आफ्टर 11/11 पोर्टल. तो लेट गो कीजिए, सरेंडर कीजिए, जो ईश्वर की तरफ से आपको आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड दिया जा रहा है उसे लीजिए. आपकी तरफ अगर कोई डिजर्विंग कैंडिडेट आता है उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसके साथ अपनी लाइफ को बैलेंस बनाकर आगे बढ़िए. अपने मैस्कुलिन को जो इस वक्त में स्टक है, नहीं बढ़ सकता, उसको अपनी लविंग एनर्जी सेंड कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए. तो ये थी आज की हमारी टैरो गाइडेंस. इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्पिरिचुअल टॉपिक्स को लेकर समय समय पर हाजिर होती रहती हूँ. बने रहिए मेरे साथ और चलिए नेक्स्ट रीडिंग तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.